नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर एसपी कार्यालय पहुंची स्कूल की छात्राएं। गुरुवार को संसोरिम पब्लिक स्कूल की छात्राएं पुलिस कार्यालय में पहुंची और एसपी राजेश दुग्गल सहित अन्य पुलिस कर्मियों को रक्षाबंधन की राखी बांधी। इस अवसर पर एसपी ने सभी स्कूली छात्राओं को चॉकलेट व शिक्षकों को मिठाई खिलाकर रक्षाबंधन के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर एसपी राजेश दुग्गल ने कहा कि रक्षाबंधन के पावन पर्व पर राखी समानताएं बहनें भाइयों को बांधती है, परंतु पुत्री द्वारा पिता, दादा, चाचा व अन्य किसी भी संबंध को मधुर बनाने की भावना से सुरक्षा की कामना के साथ रक्षा सूत्र बांध सकती है। देखिए सच की रफ्तार के संवाददाता दिनेश चौहान की रेवाड़ी से खास रिपोर्ट। हमारा ये बहुत ही खुशी और एक भाई बहन के पवित्र रिश्ते का एक त्यौहार है, इस पे आज संसोरिम स्कूल के बच्चों ने आज मेरे साथ राखी का त्यौहार सेलिब्रेट किया है, तो बड़ा अच्छा लगा। बच्चों के साथ बच्चों को इंस्पिरेशन मिलती है। डिस्ट्रिक्ट में सीनियर ऑफिसर्स के साथ एक सेलिब्रेशन, बच्चों को इंट्रैक्शन करने का एक मौका मिलता है और एक अच्छी फीलिंग बच्चों में आती है, एक इंस्पिरेशन उनको मिलती है कि भी हम भी पढ़ लिख के ऑफिसर बने। और बड़ा अच्छा उन्होंने ये एक सेलिब्रेशन हमारे साथ किया है, तो सभी बच्चों ने प्यार से बच्चियाँ थी उन्होंने राखियाँ बांधी हैं। हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस ने उनके साथ राखी का त्यौहार मनाया है और मैं सभी अपने रिवाड़ी के नागरिकों को राखी की शुभकामनाएँ देता हूँ कि वो भी इसी प्रकार प्यार से, हर्षोल्लास से अपना राखी का त्यौहार मनाएं और अपने भाइयों की दीर्घायु की कामना करें। और आपको पता है कि हमारे कुछ जवान हमारे देश की सीमा पर हैं, अपने घर से दूर बैठे हैं, अपनी ड्यूटी पे हैं। इसी प्रकार हम भी अपने परिवार से दूर होते हैं, तो इस प्रकार बच्चों के साथ एक सेलिब्रेशन करके हम भी अपने त्यौहार का एक अपना जो आनंद है, जो एक हमारी हिंदू रीति रिवाज में एक त्यौहार सबसे बड़ा कहना जाता है, उसको हमने सेलिब्रेट किया है।